नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी और लोको पायलट की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है उसको रेलवे ने पोस्टपोन कर दिया है, आगे डेट बढ़ा दी है। उसकी ऑफिशियली जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बने रहे पूरे वीडियो में, क्योंकि रेलवे के अधिकारी द्वारा ये जानकारी दी गई है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारियां कर रहे हैं, अगर आपको रेलवे की नौकरी पानी है तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस जिसमें ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं और करंट अफेयर्स के भी आपको यहाँ पर वीडियो मिल रहे हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स मिल रही है और फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आज ही हमारे चैनल को वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाएं और घंटे के बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आप वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है, फिल्म हीरोपंती से फिल्मों में बतौर नायक कदम रखने वाले टाइगर किस अभिनेता के बेटे हैं? अनिल कपूर, सनी देओल, सुनील शेट्टी या जैकी श्रॉफ? तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों रेलवे परीक्षा में हो सकती है देरी, आवेदनों की छटाई में छूटे अधिकारियों के पसीने, हिंदुस्तान लाइव न्यूज चैनल के अंदर ये न्यूज प्रकाशित हुई है 13 मई को। आगे चलते हैं। और रेलवे में लगभग 1 लाख भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में देरी हो सकती है, इसका कारण यह है कि 1 लाख रिक्त पदों के लिए रिकॉर्ड 2,37,00,000 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 237 दावेदार हैं। सभी आवेदकों की छटाई में रेलवे प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इसके बाद सभी राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ परीक्षा केंद्रों की बुकिंग दूसरी चुनौती है। इसके बाद ही रेलवे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वितरण करेगी और परीक्षा कराने की स्थिति में होगी। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फरवरी में अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार उम्मीद की जा रही थी कि मई में प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन 1 लाख रिक्त पदों के लिए 2,37,00,000 आवेदन आने से रेलवे सकते में है। सभी आवेदकों की छटनी में रेल कर्मियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए आयु, शैक्षणिक योग्यता व फीस में संशोधन किए जिस कारण से भी अधिकारियों को मेहनत करनी पड़ रही है। और अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र कब तक वितरण किए जाएंगे और परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जबकि फरवरी मार्च में रेलवे दावा कर रही थी कि दिसंबर 2018 तक प्रवेश पत्र जारी करने, परीक्षा कराने, फिजिकल मेडिकल टेस्ट आदि पूरा कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि परीक्षा समय पर आयोजित नहीं हो सकती। तो दोस्तों रेलवे में इस बार ग्रुप डी और लोको पायलट की जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें काफी देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर काफी क्वांटिटी के अंदर फॉर्म आए हैं। तो दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारियां कर रहे हैं, रेलवे का सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपको समय मिल रहा है। तो आप तैयारियां कंटिन्यूस रखिए और आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे, क्योंकि हम आपको यहाँ पर देते हैं ऑल ओवर इंडिया से जुड़ी हुई अपडेट और साथ में रेलवे भर्ती से जुड़ी हुई सारी अपडेट। और यहाँ पर हम आपको फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस दे रहे हैं जिसमें जुड़कर के आप सिलेक्शन पा सकते हैं और इन सभी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती, वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और दोस्तों में इसे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।